मैं हूं शुभम राज, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आइए हम लोग कुछ मैथ का टॉपिक देखते हैं, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। तो आइए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 7 6 8 × 9 7 6 × 2 0 8 2 × 4 0 2 7 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 1 7 6 8 यानी 768 × 1976 × 2082 × 4027 का के गुणन फल का इकाई अंक क्या हो। तो आइए हम लोग देखते हैं इकाई, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि इकाई अंक कहते किसको हैं, यूनिट डिजिट कहते किसको हैं। तो देखिए किसी भी संख्या का बाईं तरफ से जो फर्स्ट संख्या होगा उसे हम इकाई अंक कहते हैं। जैसे देखिए इसका 1000 का इकाई अंक क्या होगा, 0। मान लीजिए ये 272 का इकाई अंक क्या हो गया, 2। ये क्या हो गया, दहाई। ये क्या हो गया, सैकड़ा, यानी 1, 10, 100, 1000, 10,000 आगे जितना तक अपना गिन सकते हैं। तो देखिए यही क्वेश्चन है। तो पहले इकाई अंक निकालने का एक अच्छा तरीका है, मतलब इकाई से इकाई में मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई से इकाई में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48 आया 48। तो अब 8 जो आया 48 में 4 छोड़ देना है, अब 8 जो आया 8 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 8 × 2 = 16 आया, अब इसमें 1 छोड़ देना है, अब ये 6 से मल्टीप्लाई करना है 7 में, तो 6 × 7 = 42, यानी इसके इकाई, इसके गुणनफल का इकाई अंक यही 2 आंसर, आपका 2 आंसर हो गया। समझे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। फिर देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1329 × 7044 × 7093 × 25092 के गुणन फल का इकाई अंक क्या होगा। तो सीखिए सेम इसी तरह करना है, जो ये क्वेश्चन है वही ये क्वेश्चन है। टॉपिक फर्स्ट है नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36, 36 में 3 को कुछ नहीं करेंगे, अब बचा 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 3 = 18, बचा 8, इसको हटा देंगे, 8 में 2 से करेंगे, 8 × 2 = 16, यानी हमारा आंसर इसमें 6 आया, यानी इसका इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, यानी इसके गुणनफल का इकाई अंक 6 होगा। यानी आप समझ जाइए कि इतना ये संख्या सबको गुना कीजिएगा, जो आंसर आएगा उसका अंतिम अंक 6 होगा, इसका यही मतलब हुआ। बार आप देखिएगा, इस बेसिस पर आपका इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट हो तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बनता है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में हमसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।